हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किरण और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर किरण में। और जो लोग नए हैं, अब पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बता दूँ, मेरा नाम किरण है और मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और मेरे इस वीडियो में आप मेरे इस चैनल पे आपको हर तरीके का वीडियो मिलेगा, चाहे वो ब्यूटी टिप हो, ब्लॉग हो, किचन से रिलेटेड हो, कुछ भी, हर टाइप का। ये ऑल इन वन चैनल है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं आज बताने जा रही हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि विंटर आ गया बहुत, और हम अपने जो बॉडी है हम इसको तो बचा सकते हैं मोटे मोटे कंबल, रजाई ओढ़ के, बट जो हमारा फेस है उसको हम कैसे केयर कर सकते हैं? तो आज मैं लेके आई हूँ विंटर स्किन केयर रूटीन, जो मैं फॉलो करती हूँ, वीक में 2 या 3 बार जरूर करती हूँ। अगर मुझे प्रॉपर टाइम मिला तो 3 बार होता है, अगर टाइम नहीं मिला तो 2 बार पक्का मैं करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का जो है वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो मेकअप है इसे हम रिमूव करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है मेरा मेकअप रिमूव का वीडियो, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाके ये देख सकते हैं। तो मेकअप रिमूव करने के लिए मैं अपना वही ऑयल ले रही हूँ, आप लोगों के पास जो कुछ भी है, क्योंकि कोकोनट ऑयल अभी जो है वो पूरा जम जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से तो यहाँ पे मेरा पूरा जो है मेकअप वो रिमूव हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ऑयल, मैंने 3-4 बूंद लिया है, और इसको हम, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बादाम हो गया, कोई भी हो गया। इसे हम अच्छे से अपने फेस पे 2 से 3 मिनट तक मालिश करेंगे, ताकि और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ टिश्यू पेपर, और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे कच्चा दूध, मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच, और इसमें हम डालेंगे शहद, एक से दो बूंद ही हम लेंगे, और उसके बाद चाहिए हमें, देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी, बस हल्दी, जरूरी नहीं है, अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो मत लीजिए। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीनों को, और हल्दी मैं इसलिए यूज करती हूँ कि थोड़ा सा जो फेस है वो उस पर लाइट आ जाता है, और ये तीनों चीजें हमारे फेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि जो शहद है वो ठंड के दिनों में हमारे फेस के लिए मतलब एक वरदान है, आपके फेस को सॉफ्ट करने के लिए। और अब आप इसे कॉटन के हेल्प से लगा सकते हैं अपने फेस पे, मैंने लिया यहाँ पे,
इसे हम पूरे फेस पे अच्छे से लगाएंगे। और उसके बाद हम अपने हाथों से इसे हल्के से मालिश करेंगे। और अब हम इसे 5 से 10 मिनट के बाद इसे, अगर आप चाहें तो हल्का सा गुनगुना पानी से धो सकते हैं। अगर आपको ठंड नहीं लग रहा है तो आप ठंडे पानी से भी धो सकते हैं। और यहाँ मैं फेस अपना साफ करके आ गई। और इससे आपका फेस जो है एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमारा वो है वैसलीन, क्योंकि मैं डेली रात को वैसलीन ही यूज करती हूँ। इससे हमारा फेस जो है बहुत अच्छा रहता है, और बाकी जो है थोड़ा सा भी ये ड्राई नहीं होने देता है। उसमें कोई भी साइड इफेक्ट होने वाला ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमारे फेस को नुकसान हो जाए। तो सबसे ज्यादा हम उसी जगह पे लगाएंगे जो एरिया हमारा सबसे ज्यादा ड्राई होता है, जैसे कि मेरा ये वाला एरिया जो है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, यहाँ माउथ के पास। और वेसलिन के जो फायदे हैं वो आप सभी को शायद पता ही होगा कि इसके कितने सारे फायदे होते हैं। और ये आईब्रो पे लगाने से होता है कि आईब्रो जो है हमारा थोड़ा सा घना हो जाता है। इसे हम पलकों पे भी लगा लेते हैं। और अब इसको हम प्रॉपर अच्छे से मिला लेंगे। हे गाइस, तो ये हो गया मेरा विंटर स्किन केयर रूटीन। और अब मैं रात को आसानी से सो सकती हूँ, और सुबह उठने के बाद मेरा जो फेस रहेगा वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ठंड का फेस है ना, कहीं थोड़ा सा भी ड्राई रहेगा। और सुबह उठने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह करके आप अपने फेस को संभाल सकते हैं, और अच्छा ग्लो दे सकता है फेस आपका, और आप सही से रह सकती हैं। सो गाइज, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी बहुत ज्यादा फायदा हो। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।